हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल के पराठे, जो खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और क्रंची होते हैं। दाल तो हम सबके यहाँ बनती है, लेकिन जब बच जाती है तो दोबारा उसको कोई खाना नहीं पसंद करता। तो उसी दाल को यूज़ करके आज हम लोग अपनी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम दाल के पराठों की रेसिपी आपको बताने वाले हैं। ये हमने सबसे पहले ये दाल हमने जो बनाई हुई थी उसी दाल का इस्तेमाल हम अपने पराठों में कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप किसी भी दाल का इस्तेमाल कीजिए, अरहर की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, बशर्ते वो छिलके वाली दाल नहीं होनी चाहिए। और हमने थोड़े से प्याज लिए हुए हैं जिसको हमने महीन महीन कट कर लिया है, हरी मिर्च है और धनिया की पत्ती है। एक चम्मच देशी घी में हम आप इसको कैसे स्टफिंग इस दाल की बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने अपना पैन चढ़ा लिया है, उसमें हमने एक चम्मच देसी घी डाल दिया। तो देखिए गाइस, हमारा देसी घी मेल्ट हो चुका है, तो जो हमने प्याज काटा था, एक बाउल चॉप्ड किया था, वो हम निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग भून लेंगे। देखिए गाइस, हमारा यहाँ पे प्याज भून रहा है, इसमें आपको बस देसी घी डाल के प्याज डाल के ही भूनना है। आपको इसमें कोई भी नमक या मसाले डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो दाल आप लोगों ने घर पे बना के रखी हुई है वही दाल इसमें जाएगी, तो उसमें हम ऑलरेडी नमक मसाले वगैरह जैसे भी आप लोग दाल बनाते हैं वो बना चुके होते हैं, तो वही इसमें जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा मसालों की या एक्स्ट्रा नमक का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप प्याज को ऐसे ही भून के लाइट ब्राउन कर लें। गाइस, हम थोड़ी सी हरी मिर्च, जो हमने दो हरी मिर्च काटी थी, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा प्याज अब भून चला है, अब इसमें हम अपनी दाल को डाल देंगे। देखिए गाइस, अब हमारी दाल इसमें जा चुकी है। दाल को आपको अच्छे से चलाते रहना है, वरना नीचे ये लग भी सकती है। हमें दाल का सारा पानी निकाल देना है, तो दाल को हम यहाँ पे अच्छे से भून के इसका पानी निकाल देंगे। हमें यहीं पे इसके में थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने से थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद धनिया मिला करके आप इसको थोड़ी देर और चला लें और धनिया डाल के भी इसको अच्छे से भून लें। देखिए गाइस, अब हमारा मिक्सर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको ठंडा करना है। गाइस याद रखिएगा, आप इसको तुरंत इसके पराठे मत बनाइएगा, इसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा करने के लिए आप इसको एक प्लेट में निकाल लें और चम्मच से इसको अच्छे से फैला लें एक प्लेट में, तो आपका मिक्सर जल्दी ठंडा हो जाएगा। गाइस, हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है, अब हम लोग जल्दी जल्दी इसके पराठे बना लेते हैं। गाइस, अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने आटा पहले से मल लिया है। हम अब यहाँ पे इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपने साइज से भी आप रख सकते हैं, कि आपको छोटे पराठे खाने हैं, आपको बड़े पराठे खाने हैं, उसी हिसाब से आप इसको बेल लीजिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है तवे पे जाने के लिए। गाइस, हमारा पराठा तवे पे आ चुका है, अब हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए गाइस, क्या गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारे पराठे का। ये पराठा बहुत ज़्यादा क्रंची होने वाला है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाला है। तो गाइस, इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, बच्चों के लिए घर पे बनाइए और हमको हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। गाइज, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर के आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।